कोकनी माउंटेनियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको NPR NRC की मुख्तसर में मालूमात दी, फिर भी वो 15 मिनट के करीब वीडियो गया। अब हम सेकंड पार्ट में बता रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में बताया कि आपको शहरियत कैसे मिल सकती है, क्या असबाब की बुनियाद पर मिल सकती है। इस वीडियो में बताएंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स, कम से कम डॉक्यूमेंट्स कौन से होना चाहिए, और नहीं है तो आपको तैयार कैसे किए जाएं। अगर है तो उसमें देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है, नाम लिखाने जाते हैं, हम बताते हैं। याद रखिए, मुसलमानों के नाम की स्पेलिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। अजीम को अजीम लिखा जाता है, मेरा सरनेम नागोठने हैं तो नागोठने किया जाता है या नागोठना किया जाता है, प्रॉपर नहीं। ये गलती सबसे पहले हमसे शुरू होती है। हमारे ऑफिसेज में हमारे हिंदू भाई बहन ज़्यादा बैठे हुए हैं, मुसलमान कितना परसेंट होंगे, और होंगे तो भी नाम में गलतियाँ करते हैं। मैं बहुत साफ वो से काम ले रहा हूँ। गलती अपनी मान लीजिए कि हमने एक काम, हमारा ये ड्यूटी है कि हम अपने नाम मराठी में प्रॉपर जीम को जीम ही लिखें, जीम न लिखें, और इंग्लिश में वैसे ही दोनों जो कन्फर्म एक कागज़ पर लिख के जाएँ। वहाँ फॉर्म मिलता है, फॉर्म जो फिलअप किया जाता है आप अपने हाथ से लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं या किसी पढ़े लिखे से फॉर्म फिलअप करके लीजिए, या ऑफिसर फॉर्म भरता है तो वहाँ देख लीजिए। बोले नहीं उतना चलता है, चलने दो, बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, वो चलने दो है ना, वो बाद में वो चलने आपका जेब खाली कर देते हैं। ऑफिसर वही हैं जो कंसिडर कर रहे हैं, बाद में नाम मिस्टेक के लिए फिर चक्कर धक्के लगाओ, एजेंट्स पकड़े रहो। ज़माना जाहिलों का नहीं है, जो काम वक्त के साथ नहीं चली वो हमेशा बर्बादी के राह पर रहती है, उसका अपना वजूद नहीं रहता है। आप कहेंगे कि हमारे आबा अजदाद यहाँ के थे तो हमने माना, बाबा आबा अजदाद यहाँ के थे, यहाँ के स्कूल में पढ़े, यहाँ घर बनाए, ज़मीनें ली, शादी किए, सब कुछ किए, ज़बानी हिसाब किताब नहीं चलता है, जो भी चलता है कागज़ पत्तर से चलता है, ठीक है। तो आपका कब्जा था ज़मीन पर, तो हमारी भी किसी और नाम के वो चल रहा था, वैसा नहीं चलेगा। आइए मैं मुद्दे पर आता हूँ, बातें नागवार गुजरे तो भी चलेगा। सबसे पहले देखिए क्या खामियां होती हैं और क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतःचे नाव आणि आई वडिलांचे असलेले खरे नाव। ये जो अभी मैं जो पेपर जो दिखाऊंगा, यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपको स्क्रीन पे भी देखने पढ़ने मिलेंगे, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं स्क्रीन पे दूंगा। वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं इसके जो है ना छोटे छोटे हिस्से मैंने बना दिए हैं, 10-12 हिस्से बनाए फॉर्म के, छोटे छोटे भी मिलेंगे उसको पार्ट्स में। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके सेव करके आप पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं, वही हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है, आप एक तरह का फॉर्म तैयार कर लीजिए जो हमने दिया वैसा, इसको सेल्फ असेसमेंट फॉर्मेट हमने तैयार किया है, यानी MSIM साहब जो है उन्होंने तैयार किया कि आप इसमें पहले मालूम जो हमने जो पूछ रहे हैं वो मालूम वैसी उसमें लिखिए। अब देखिए आपकी गलती कहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ है, एज पर डॉक्यूमेंट्स ही इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में लिखेंगे। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का एहतसाब करने के लिए, जब आप अपनी मालूम अपने एक टेबल पे एक फॉर्म में पूरी तफसील आगे पीछे हो जाएगा तो आपका इतिहास आपके सामने है कि आप कहाँ गलत है कहाँ नहीं है। ये आपका असेसमेंट के लिए इतनी सारी कई महीनों की मेहनत आपको चंद मिनटों में बता रहे हैं। तो सबसे पहले स्वतःचे नाव, खुद का पूरा नाम, अपना, आपके बाप का, औरत है लड़की गैर शादीशुदा, खुद का बाप का सरनेम, हाँ शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम, तो चलिए आपका खुद का नाम। सेकंड फादर्स नेम, अब्बा का पूरा नाम, नाम बोले तो पूरा नाम, उसी तरह से मदर्स नेम, अपनी माँ का नाम क्या था, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ए फॉर्मेट ए, इसका जो ए पार्ट में बता रहा हूँ। उसी के साथ अगला जो इसका पार्ट है, इसका पॉइंट अभी वन लेते हैं। 1/1 में आपका जन्म दाखिला यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, नहीं है निकाले तो निकाल लीजिए, आपके सामने टिक करना है आपने, है ओके, नहीं है तो वहाँ पे टिक ये कर दिए, क्रॉस कर दिए कि आपके पास नहीं, मतलब वो बनाना आपको। माझा कड़े जन्म दाखला आहे परंतु माझा जुना नावा तो आत्ताच्या नावात फरक आहे, बर्थ सर्टिफिकेट है पुराना नाम और नए नाम में फरक है, असे असल्यास आपला ओल्ड नेम एंड न्यू नेम साठी चेंज ऑफ नेम चा गॅझेट करावा लागेल।
अगर आपके नाम में तब्दीली है, जैसे शादी हुई, शादी के बाद नाम चेंज हो गया, तो आपने क्या करना है, वो चेंज ऑफ नेम गैजेट में करवाना है, ऑनलाइन होता है, वकील या एक्सपर्ट भी बनवा के देते हैं नॉमिनल फीस में अगर आप करोगे तो आपके पास ये ओके है तो टिक कर लीजिए, नहीं है तो क्रॉस कर लीजिए, मतलब वो डॉक्यूमेंट अपने बनाना है। तीसरा पॉइंट है इसका, माझ्याकडे जन्म दाखला आहे परंतु त्या दाखल्यात माझ्या आईचा जुना नावात तो आत्ताच्या नावात फरक आहे, असे असल्यास तुमच्या आईला ओल्ड नेम अँड न्यू नेम साठी चेंज ऑफ नेमचा गॅझेट करावा लागेल। अगला पॉइंट, माझ्याकडे जन्म दाखला आहे परंतु त्या दाखल्यात माझ्या वडिलांचा जुना नावा तो आत्ताच्या नावात फरक आहे, स्पेलिंग मिस्टेक आहे, अब्बा का पुराना नाम भी वही था, आज भी वही है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक आहे, असे असल्यास तुमच्या वडिलांना ओल्ड नेम अँड न्यू नेमसाठी चेंज ऑफ नेमचा गॅझेट करावा लागेल। गॅझेट मतलब गवर्नमेंट के पास आपकी डिटेल जाती है कि मेरा पुराना नाम ये ऐसा था, नया नाम ऐसा है, और आप क्या नाम चाहते हैं वो उस फॉर्मेट में लिखा रहता है, वो नया नाम क्या होना चाहिए वो हिसाब से आप लिखें, उसकी फ़ीस नॉमिनल होती है उसको भरें, उसके पास कुछ आधार या डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं गैजेट कराने के लिए, एक्सपर्ट बता देते हैं। आपको कोई क्वेरीज है वीडियो के नीचे जो है ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, आपको वहाँ जवाब भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद माझ्याकडे जन्म दाखला आहे परंतु जन्म दाखल्यातील जन्म तारीख आणि शाळा सोडल्याचा दाखल्यात जन्म तारीख वेगळी आहे, दो डेट्स हो गए, आपने अंदाजन लिखा दिए थे उस वक्त तारीख और बाद में स्कूल के सर्टिफिकेट तारीख अलग, यानी बर्थ सर्टिफिकेट का डेट अलग है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का डेट अलग है, तो उसके लिए भी गैजेट कंपलसरी है। पार्ट वन ऑफ वन हो गया, पार्ट टू ऑफ वन इसी का कंटिन्यू, माझ्याकडे जन्म दाखला नाही, जन्म दाखला नसल्यास तो आपका जन्म दाखला आपने लिए नहीं थे, तो या अपनी अम्मी से पूछ लीजिए, अब्बा से पूछ लीजिए, रिश्ते से पूछिए, मेरा जन्म कहाँ हुआ था, अम्मी के गांव में हुआ था कि अब्बा के गांव में हुआ था, कहीं भी हुआ लेकिन कहाँ उसका नाम लिखाए थे, तो उस वहाँ के आपको क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट आपकी ग्राम पंचायत के ऑफिस में मिलेगा, पंचायत समिति में, अगर देखिए पहले मैं ये पहले क्लियर कर दूँ, अगर ये सब कोई गाँव में पैदा हुआ, कोई छोटे शहर में पैदा हुआ, कोई म्यूनसिपलिटी शहर में, कोई बड़े शहरों में, अब इसको हम बाय फैक्ट करके बता रहे हैं कि हर कोई गांव में नहीं रह रहा है, तो ये कहाँ कहाँ ये आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो गांव में रहने वाले जैसे उनको ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति, पंचायत समिति तहसीलदार कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और महानगर पालिका यानी जो बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है ग्रेट, इनके पास आपके बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं, वहाँ से आपको लेना है, और नसल्यास त्यांच्याकडून आपला जन्म नोंद नाही असा लेखी आदेश घेणे, आपका अगर वहाँ जहाँ पैदा हुए तो वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ से लिख के ऑर्डर लेना है कि इनका बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो लिख के देंगे और आपको बनवाने की ऑर्डर आपको मिल जाएगी, तो वो लेके फिर आपने वापस अप्लाई करना है। नंबर दूसरा पॉइंट 2/1 का सेकंड पार्ट का पॉइंट नंबर 2, आपला जन्म नोंद ज्या संबंधित कार्यालयात नोंदवायचा आहे त्या कार्यालयाकडे सुद्धा अर्ज करून आपला जन्म दाखला असल्यास घेणे व नसल्यास त्यांच्याकडून आपला जन्म नोंद नाही असा लेखी आदेश घेणे। अपना जहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता था वहीं से लेना है, नहीं मिलता है तो वहाँ से लिख के लेना है और नया अकेले अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 3, तुमचा जन्म झाल्याबाबत सरपंच यांचा दाखला घेणे, अभी आपको कहीं नहीं मिले तो गांव के सरपंच वाला जो रहेंगे उनसे लिख के लेना है कि इनका यह जन्म हुआ है और उनके पास से वो सर्टिफिकेट लेके फिर आगे उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करना है। नंबर 4, तुमचा जन्म झाल्याबाबत पोलीस पाटील यांचा दाखला घेणे गाँव के पोलीस पाटील से। नंबर 5, वरील सर्व दाखले घेऊन वकिलामार्फत कोर्टा संबंधित कार्यालयात तुमचा जन्म दाखला करण्याचा कोर्टाचा आदेश घेतल्यास व ते संबंधित कार्यालयात नोंदवण्यास तुम्हाला तुमचा जन्म दाखला मिळेल। हे फॉर्मेट के आगे टिक टॉक जो भी है आपको बता दिया गया, वैसे करेंगे, चेक करेंगे। अभी पॉइंट नंबर 3 पे मैं आ रहा हूँ, आपके सर्टिफिकेट कैसे, कहाँ क्या क्या चेक करना है, कहाँ से लेना है। शाला सोडल्याचा दाखला यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का वहाँ से खारजा सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, लीव यानी छोड़ना,
माझ्याकडे आहे, आपके पास स्कूल पढ़े थे तो स्कूल का लिंक सर्टिफिकेट है, ओके, माझ्याकडे नाही तो टिक, नहीं है तो लेना है, शाळेत अर्ज करून शाळा सोडल्याचा दाखला घेणे, नाही आहे तो स्कूल में जाने का अप्लिकेशन देने का, मुँह से जनाब को बोल के, टीचर सर को बोल के, प्रिंसिपल बोल के नहीं चलता है, अप्लिकेशन फॉर्मेट रहता है वो देने का, वहाँ से लेना है अपने को लिंक सर्टिफिकेट। अगर आपको दाखला है, आपका लिंक सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर क्या नाम है ये फॉर्मेट में लिखो, दाखल्यावर असलेला तुमचा नाव, दाखले पे क्या तुम्हारा नाम था क्या है वो लिखो, बराबर है तो ठीक है, गलत है तो वहाँ आप साइड में टिक करो। अब वापस से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं आया है हमारे पास, वापस से दें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद ये पूछते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो लिंक भेजते हैं तो पूछते हैं इसमें क्या है, अल्लाह के बंदे जो जितना टाइम लिखने के लिए लगाते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अल्लाह के बंदे आँख खोल के वीडियो देखें, गौर से सुने, एक बार नहीं समझे 10 बार वीडियो देखें तो आप सब जहन खुल जाएंगे। तो आपका अगर कहीं वहाँ पे मिस्टेक्स हैं तो वो भी चेक करें, मेरा सर्टिफिकेट पे क्या नाम था, क्या होना चाहिए, कहीं गलती है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में गलती है क्या है, दाखिले और माजी जन्म तारीख, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिंक सर्टिफिकेट पे क्या है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट को चेक करें, कहीं गड़बड़ है तो आपकी जो डेट कन्फर्म है, अब एक जगह पर गलत है एक जगह सही है तो सही डेट कौन सी डॉक्यूमेंट पर है वो रखिए, और जहाँ गलत है उसको रेफरेंस दीजिए कि मेरी ये नहीं ये डेट है, तो प्रीवियस डेट और एग्जैक्ट डेट एक करेक्शन का आपको गैजेट के ज़रिए ये भी काम आपको मुकम्मल करना है। चलिए अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स पे बात की, अगला 14 पॉइंट पे रेशन कार्ड आपके पास हर एक के पास होता है, होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लें, रेशन कार्ड वर असलेले आपले नाव, अपना रेशन कार्ड पे क्या नाम है, ओके है ठीक है, नहीं है गड़बड़ है तो लिखें अपने पास कि इसमें गलत है, यानी इसको भी मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, और फिर वो तहसीलदार जो कार्यालय होता है या आपके यहाँ जो म्यूनसिपल होगी, जो भी आपकी गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है जिस जहाँ आप रहते हैं वहाँ की, वहाँ से वो करेक्शन कर लें। नंबर 5 होता है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड ये है ना परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, यानी इनकम टैक्स का कार्ड होता है, बहुत सारे लोग खाली बना के रखते हैं जबकि टैक्स आप नए भी पे करते हो उसके लिए फाइल रिटर्न करना पड़ती है, भाई मेरा 50,000 इनकम है तो, लेकिन उसको मेंटेन रखें, तो पैन कार्ड का आपका नाम चेक करें, पैन कार्ड पे आपके अब्बा का नाम क्या है, आपके हस्बैंड का नाम क्या है, वहाँ कुछ गलती तो नहीं है तो उसको भी करेक्शन कर लें, और आपके पैन कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको भी चेक कर लें, कहीं भी कुछ हो तो वापस करेक्शन करके नया कार्ड मिलता है, फिर खाली फॉर्म भर के आपको भेजना है। नंबर 6 पॉइंट आपका आधार कार्ड तो अभी कंपल्सरी है, एक तरह का पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट हुआ, तो आधार कार्ड पे आपका नाम क्या है तो सही है तो ओके, कोई टेंशन नहीं आपको चेंज नहीं करना है, और गलत है तो उसके लिए आधार कार्ड का करेक्शन का फॉर्म ये आता है, ऑनलाइन भर दें तो नया आधार कार्ड आ जाता है, वही नंबर रहेगा आपका इम्प्रूव्ड नया आधार कार्ड आएगा पुराने, और हर जो डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं आपके पास 2-5 जेरोक्स घर में रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को न दें, और कोई भी डॉक्यूमेंट हम अक्सर लोग देते हैं ऐसे ऐसे फोल्ड करके है ना टेढ़े मेढ़े करके थैली में डबा देते हैं, फिर जब जोर जोर खोलते हैं तब आड़े टेढ़े फटे रहते हैं, हर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है, तो डॉक्यूमेंट हमेशा अच्छे फोल्डर में रखें साफ रखें। तो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ या नाम में कुछ गलत हो तो उसका करेक्शन का फॉर्म आता है वो करेक्शन कर लें, ये 6 जो पॉइंट रहता है और उसको भी अपने पास महफूज रख लें। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट पर आता हूँ आपका मतदान कार्ड यानी इलेक्शन कार्ड, इस पर नाम चेक कर लें मतदान कार्ड पर, और उसमें कुछ सही है तो ओके टेंशन नहीं, गलत है तो क्या करेक्शन होना चाहिए वो आप करेक्शन कर लीजिए, प्रीवियस कार्ड संभाल के रखिए, उसके जेरोक्स निकालिए, सामने भी जेरोक्स दीजिए और 2-4 हमेशा जेरोक्स रखिए तो वहाँ भी कर सकते हैं, उसमें आपके फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, अब्बा का नाम, इसका कुछ भी है चेंज करना तो नए कार्ड में वो भी चेंज करा लें। उसी तरह से 8वां पॉइंट है बैंक पासबुक, अब उस वक्त भी ये तो हमारे अथॉरिटी रहती है, हमारे पास जो करेक्ट नाम है हम वो जो फॉर्म बैंक का अकाउंट खोल देते हैं वो हिसाब से वो लोग लिखते हैं, हम वहाँ भी गड़बड़ लापरवाही की वजह से वहाँ भी ये होता है, तो बैंक का पासबुक में भी अगर कुछ प्रॉपर नहीं होगा तो वापस से करेक्शन का फॉर्म आता है, वो करेक्शन फॉर्म ले और बैंक पासबुक को अप्लाई करें, आपको फ़ौरन वो लोग कहना नया पासबुक इशू करेंगे उसके ऊपर करेक्टेड नेम आपका वो आएगा, लेकिन आप करेक्ट डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तब, तो ये करेक्शन कहाँ कहाँ करना है आपको बता रहे हैं। फिर जैसा विवाह प्रमाण पत्र यानी आपकी शादी का सर्टिफिकेट जो होता है मैरिज सर्टिफिकेट, हम लोग निकाहनामा लेते हैं और काजी साहब का निकाहनामा हो गया, मेहर मिल गए नहीं मिल गए बस बैठ गए, इसके बाद तो बाकायदा यानी इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोर्ट में कि मैं फलाना का निकाह फलाना से हो गया, अब्बा का नाम शादी से पहले ये था लड़कियों के लिए,
मेरा हस्बैंड का नाम ये हो गया, और वो डॉक्यूमेंट जो है आपके पास वो मैरिज सर्टिफिकेट संभाल के रखना है आपको, उसमें नाम देखें, शादी से पहले का नाम क्या था, शादी के बाद क्या था, कुछ उसको गड़बड़ी है तो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवा के, और कंसर्न ग्राम पंचायत या कोई भी वहाँ से बना के लेना है, और वो आपके पास संभाल के रखना है विथ एक्स्ट्रा कॉपीज़। तो अभी मैंने आपको 9वां पॉइंट बता दिया, चलिए हम 10वें पॉइंट पे आते हैं, पासपोर्ट। अब हर कोई नहीं, जब हज के लिए जाना होता है, कोई जॉब के लिए होते हैं, कोई टूर पे जाता है, तो पासपोर्ट बनाता हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जिनके पास है वो भी देखिए भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, बनवा ले तो अच्छा है। एक पासपोर्ट 10 साल की मुद्दत के लिए चलती है, और अगर आपके पास है पासपोर्ट तो भाई साहब, मैम साहब, मैडम, अपना नाम जो पासपोर्ट पे क्या है वो चेक कर लीजिए एज़ पर योर अदर डॉक्यूमेंट्स। आपके अब्बा पासपोर्ट पे 3 नाम होते हैं, एक तो खुद का नाम, अपने अब्बा का नाम, अपने अम्मी का नाम, और हस्बैंड, जो लेडीज़ हैं उनके लिए हस्बैंड का नाम। तो चेक कर ले भाई, आपका नाम ओके है, अब्बा का नाम ओके है, अम्मी का नाम ओके है, आपके हस्बैंड का नाम ओके है, चेक कर ले। आप किधर गड़बड़ी हुई उतना करेक्शन के लिए आपको वो प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। और पासपोर्ट पे देखें जो बर्थ सर्टिफिकेट की डेट है वो पासपोर्ट पे भी है कि नहीं, स्कूल की बर्थ सर्टिफिकेट अलग, पासपोर्ट की बर्थ सर्टिफिकेट अलग, ग्राम पंचायत में जो आपकी म्यूनसिपल्टी की डेट ऑफ बर्थ अलग। बड़ा हम लोग के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होती है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अभी, ये 10 पॉइंट जो है, ये डॉक्यूमेंट जो आपकी बेसिक जो चीज़ चाहिए वो मैंने आपको आपको बता दिया, कम से कम इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास करेक्ट ओके होना चाहिए। और ये खुद अभी आप खुद को ज़रा एहतसाब कर ले, जांच ले कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स ओके है क्या। सारे डॉक्यूमेंट्स फुर्सत में हर एक ने अपने अपने देखना है और अपने काम के लिए शुरुआत करनी है। 1 अप्रैल 2020 से इस पर अमल शुरू होगा, उस वक्त आप ढूंढते बैठेंगे सो कुछ नहीं, ढूंढते रह जाओगे पूरा घर, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। और कोई भी सरकारी ऑफिस में जब काम का बोझ बढ़ता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए डिले हो जाएगा। तो प्लीज़ अभी ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये इसको हमने एक आखिरी एक शॉर्ट इसकी है ना असेसमेंट फॉर्मेट बना दिया है सारे पॉइंट्स का। ये फॉर्मेट जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, इसमें देखें पहले आपका क्या क्या है, क्या नहीं है, और क्या आपको चेंज करना है, आपको फौरन आइडिया मिल जाएगी। फिर से MSMI साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो आप देखिए, 1, जन्म दाखिला बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, ओके। आपके पास इसमें कुछ अगर चेंज ऑफ नेम करनी जरूरत थी तो आप वालगे वहाँ लिखे रखिए, हाँ मुझे चेंज करना है। आपकी माँ का नाम, आपके अब्बा का नाम चेंज करना है या ओके है, ओके तो टिक करते जाओ। आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज करना है तो गैजेट कराना है। अब्बा का, अम्मी का कहीं नाम गड़बड़े चेंज कराना है, गैजेट कराना है। आपके पैन कार्ड में कुछ अगर करेक्शन, गैजेट करने की जरूरत नहीं, आपको अप्लाई करना है। आधार कार्ड में कुछ है तो ऑनलाइन करेक्शन का फॉर्म आता है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो उसके साथ में जोड़ना पड़ता है। रेशन कार्ड में कुछ गड़बड़ है तो उसका करेक्शन का फॉर्म आता है, वो करेक्ट कर ले। आपका इलेक्शन का कार्ड में करेक्शन का फॉर्म आता है, उस वक्त गैजेट की जरूरत नहीं है। बैंक पासबुक करेक्शन में है, गैजेट की जरूरत नहीं है, बैंक में जाके अप्लीकेशन जमा करना है। पासपोर्ट में करेक्शन है तो पासपोर्ट ऑफिस में कंसर्न, उसका ऑनलाइन फॉर्म आता है, जानकार लोगों के पास बैठ के उसका करेक्शन कर लें और सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें अपने लिए भी और सबके लिए। पूरी समरी ये है। तो इस तरह से फिर से आगे कहूँगा, आपको वीडियो समय में नहीं आए तो वापस से देख लें, दोनों पार्ट्स देख लें, और उम्मीद है कि आप दुआ करें। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक करें। लाइक के बाजू में शेयर का, लाइक के बाजू में डिसलाइक होता है, डिसलाइक के बाजू में शेयर होता है, तो लाइक दबाइए और शेयर का बटन दबाइए, लिंक दोस्तों तक शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको, कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे जो आपका ये कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए। हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते न देंगे, मिलेगा आपको कहीं गाइडेंस कुछ भी है तो आप सवाल पूछिए, आपको वहाँ जवाब मिलेगा। पर्सनल कोई और कुछ कुछ ना है, इंस्टाग्राम पे आप हमारे मुझे पूछिए, कुकनी माउंटेनर इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। और खुसूसन मैं अभी रतनाई डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ, दापोली तालुके में, और मेरे साथ में एक्सपर्ट भी बैठे हैं। अगर आपको रतना डिस्ट्रिक्ट में, खासकर दापोली खेड़ मंडनगढ़ वालों को अगर कुछ हेल्प चाहिए पर्सनली, तो भी मतलब यहाँ हम एक्सपर्ट्स के हम आपको बता देंगे कि भाई उनसे आप कांटेक्ट करके कुछ आइडिया लेना तो आप लीजिए। आदमी अपने गांव से कहीं शहर में 50-60 किलोमीटर पर जाता है तो 100-200 का पेट्रोल भी जाता है, दिन जाता है,
और बहुत सारी मेहनत होती है, तो आप बेहतर है आप खुद अपने तौर पर भी तैयार कर सकते हैं। जजाकल्ला, शुक्रिया, थैंक यू।